दोस्तों आज हम लोग डिकोड करेंगे इंडियन एयरफोर्स में यूज किए जाने वाले बैजेस को। आप लोगों ने अक्सर इंडियन एयरफोर्स के कुछ एयरमैन या ऑफिसर्स को अलग अलग टाइप के बैजेस के साथ देखा होगा। तो क्या है इन बैजेस का मतलब, कौन इन बैजेस को पहन सकता है, पर्टिकुलर बैज क्या सिंबलाइज कर रहा है, आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। इंडियन एयरफोर्स में इन एयर क्रू बैजेस को विंग बोला जाता है, जिसे एयरमैन एंड ऑफिसर्स द्वारा पहना जाता है। जनरली एयर क्रू बैजेस को यूनिफॉर्म के लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट के ऊपर पहना जाता है। ये एक तरह का क्वालिफिकेशन बैज होता है जो इंडिविजुअल की एक्सपर्टीज को दर्शाने के काम आता है। तो चलिए एक एक करके सारे बैजेस को डिकोड करते हैं। सबसे पहले आता है मोस्ट कॉमन बैज, जिसे आपने ज्यादातर सीनियर ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म पे लगा देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स पायलट्स बैज की। ये बैज इंडियन एयरफोर्स के एविएटर्स यानी पायलट्स को ही दिया जाता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पर्टिकुलर पायलट फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है या ट्रांसपोर्ट या हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है। इस बैज में दो विंग होते हैं जिसके सेंटर में IAF लिखा होता है और उसके ठीक ऊपर राष्ट्र चिन्ह मौजूद होता है। ये बैज अर्न करना लाखों डिफेंस एस्पिरेंट्स का सपना होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इंडियन एयरफोर्स में सारे पायलट्स कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, इसलिए ये बैज ऑफिसर्स द्वारा ही पहना जाता है। मतलब अदर रैंक एयर वॉरियर्स ये बैज अर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट बैज है नेविगेटर्स बैज। इस बैज में एक ही विंग होता है और इस बैज में राष्ट्र चिन्ह के नीचे कैपिटल एन लेटर मौजूद होता है। नेविगेटर्स मैप रीड करके और रडार सिस्टम को यूज करके पायलट को गाइड करते हैं ताकि पायलट अपनी डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंच सके। नेक्स्ट बैज है फ्लाइट इंजीनियर्स बैज। इस बैज में भी एक विंग के साथ राष्ट्र चिन्ह और उसके नीचे कैपिटल ई लेटर मौजूद होता है, और इस बैज को इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट इंजीनियर्स द्वारा पहना जाता है। फ्लाइट इंजीनियर्स की कई सारी ड्यूटीज होती हैं, जैसे प्री एंड पोस्ट फ्लाइट सेफ्टी चेक्स करना, इन फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रोल सिस्टम्स, वार्निंग सिस्टम्स एंड इंडिकेटर्स को ऑपरेट या मॉनिटर करना, पायलट को असिस्ट करना और प्री फ्लाइट इंजन स्टार्टअप एंड पोस्ट फ्लाइट इंजन शटडाउन में इन्वॉल्व होना। ये किसी भी फ्लाइट इंजीनियर की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट बैच है फ्लाइट गनर बैच। ये बैच बाकी बैचेस की तरह ही सेम होता है, बस इस बैच के सेंटर में कैपिटल जी लेटर मौजूद होता है। फ्लाइट गनर एयरक्राफ्ट में मौजूद गन्स, डिफेंस सिस्टम्स और दूसरे रिलेटेड एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स की टेक ऑफ से पहले और लैंडिंग के बाद इंस्पेक्शन करते हैं, और जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है फ्लाइट गनर एयरक्राफ्ट में लगे हुए गन्स को ऑपरेट भी करते हैं। नेक्स्ट है सिग्नलर बैच। ये बैच भी बाकी बैचेस की तरह दिखने में सेम ही होता है, बस इस बैच के सेंटर में कैपिटल एस लेटर मौजूद होता है। इस बैच को इंडियन एयरफोर्स के सिग्नलर्स द्वारा पहना जाता है। सिग्नलर्स का काम होता है रेडियो और दूसरे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से एयरक्राफ्ट और बेस के बीच में कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट बैच है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑपरेटर बैच। इस बैच को इंडियन एयरफोर्स के इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑपरेटर्स द्वारा पहना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑपरेटर का मेन काम होता है ग्राउंड या एयर में मौजूद रडार एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना। FC बैच, ये दिखने में बिल्कुल नेविगेटर्स बैच की तरह होता है, बस इस बैच के सेंटर में FC लिखा होता है। अब बारी है पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर बैच की। ये बैच भी दिखने में बाकी बैजेस की तरह ही होता है, पर इस बैच के सेंटर में कोई इंग्लिश लेटर मौजूद नहीं होता बल्कि एक पैराशूट बना होता है। पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर्स इंडियन आर्म फोर्सेस एंड फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के डिफरेंट ब्रांचेस से आए कैंडिडेट्स को पैरा जंप एंड एयरबॉर्न इंसर्शन सिखाते हैं। नेक्स्ट बैच है पैराशूट क्वालिफिकेशन विंग। ये दिखने में पायलट विंग की तरह होता है, पर इस बैच के सेंटर में पैराशूट मौजूद होता है। इस बैच को जनरली शोल्डर से नीचे यूनिफॉर्म की स्लीव पर लगाया जाता है। ये बैच उन एयर वॉरियर्स को दिया जाता है जिन्होंने पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा से पैरा जंप ट्रेनिंग कम्प्लीट की है। लास्ट बैच है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड फ्लाइट कंट्रोलर बैच। दिस बैच इज हैविंग एन ईगल होल्डिंग अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड फ्लाइट कंट्रोलर का मेन काम होता है पायलट को टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए क्लियरेंस देना, एयरक्राफ्ट के मूवमेंट्स को डायरेक्ट करना, एनिमी एयरक्राफ्ट की लोकेशन पायलट्स को बताना, और जैसा कि नाम से क्लियर हो जाता है इस बैच को इंडियन एयरफोर्स के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या फ्लाइट कंट्रोलर्स द्वारा पहना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको इन डिफरेंट बैजेस से रिलेटेड काफी कुछ पता चल गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आप इंस्टाग्राम पे हमें यानी डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, अपडेट या एग्जाम नोटिफिकेशन मिस ना हो। जय हिंद।